हम दो development के आगे चलते दूसरा क्या मुद्दा है जात पे तो हम लोग राजनीति करते नहीं तो हमारा काम ही नहीं दूसरे जो भी आता है पात के नाम करता है जो तो को कोई कमजे की बात, बात करता है हम लोग वैसे नहीं हमारा काम ही बहुजन विकास आघाड़ी सर्वधर्म समावे हमारे साथ मौजूद है विधानसभा विधायक राजेश पाटिल उनसे बात करते हैं पाटिल साहब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और कंटेस्ट शुरू हो चुका है अभी अप्पा की जाहिर सभा थी अपा ने ये कहा है कि छह सीटें लड़ने वाले पालगर का तो सबसे पहले ये सवाल है कि लोकसभा चुनाव में आप लोकसभा प्रत्याशी थे और उस माने में बहुजन विकास आघाड़ी हर एक विधानसभा में तीसरे नंबर पायदान पर गई थी तो कितनी चुनौतियाँ देखो लोकसभा का जो चुनाव है वो अलग मुद्दे पे रहता है और हमारी एक अच्छी और टाइम पे एक सोच थी कि पालघर जिले में अपना बहुजन विकास अगाड़ी का, का उम्मीदवार खड़ा करके अगर जीत आता है जैसे 2009 में हमारे बलेराम यादव साहब एम पी चुन के आए थे तो वसई के लिए पालगर जिले के लिए एक अच्छा फंड्स लाए थे वो टाइम में तो एक हमारा सोच थे लेकिन इस बार जो एक राजनीति हुई देश के लेवल पे तो वहाँ दो एक विचारधारा चली और वो विचारधारा के पीछे लोग चले गए और हम लोग डेवलपमेंट की बात करते थे वो टाइम पे तो थोड़ा मुद्दा पीछे रह गया तो अभी इस बार तो हमको लोगों का पूरा समर्थन है लोग हमको बात करते हैं है तो पिछले इलेक्शन में जो था वैसा अभी नहीं है वो बात अलग थी अभी की बात अलग है आप सिटिंग विधायक हैं और लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार थे अब फिर क्या आपको लगता है कि बइसर विधानसभा से आप ही होंगे अभी तक नामों की घोषणा नहीं हुई क्या आप उम्मीदवार है तो पार्टी डिसाइड करेगी अभी मैं लेकिन एमएलए पाटिल का क्या सोच नहीं पार्टी ने जब पिछले पांच साल पहले मुझे मौका दिया चुनकी भी लाया कार्यकर्ता ने मेहनत किया तो पांच साल मैंने अच्छा काम करने की कोशिश की लोग भी बोलते कार्यकर्ता ही बोलते हैं कि आमदार होने के नाते राजेश पाटिल ने अच्छा काम किया है तो अभी पार्टी डिसाइड करेगी नहीं पार्टी आपसे संतुष्ट है इसीलिए आपको लोकसभा में उतारा था ये बात तो जाहिर तौर पर जाहिर तौर पर दिखाई देती है लेकिन लोकसभा में जाने के बाद एक कदम आगे जाने के बाद वापस पीछे आना क्या आगे पीछे का सवाल नहीं होता है ये देखो ये सब प्रोसेस है प्रक्रिया है ये जो इलेक्शन की रहते और ऊपर को नीचे कोन आगे कौन पीछे ही नहीं रहता है समय की बात रहते समय के साथ चलते समय जो सामने आता है वो पकड़ के चलने का आपने जाहिर सभा में बड़ी भावुकता से अप्पा से गुजारिश की कि अप्पा ही वही विधानसभा के लिए हो तो आपको क्या लगता है कि अप्पा जो है, अप्पा जो नेतृत्व नेतृत्व है है के बाद पार्टी में कोई इतना गंभीर नहीं है या पार्टी अप्पा नहीं है तो पार्टी नहीं है न ऐसा थोड़ी है लेकिन अपा तो साथ में रहे ये हमारी पूरी पहली इच्छा है और नेतृत्व करने वाले बहुत अच्छे खंभीर लोग हैं इसका सवाल नहीं किया लेकिन वो खंबीर नेतृत्व रहते हुए पीछे क्यों रहे ये हमारा कहना है अपा ने सभी का मान रखा और अप्पा चुनाव लड़ रहे हैं और आपने जैसा कि की बताया कि छह सीटों पर आप चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में जा रहे हैं तो पार्टी की क्या रणनीति है और किस रणनीति के तहत पार्टी चुनाव में जाएगी अभी तो घोषणा की है अभी सबसे बात चलेगी सब विभाग के कार्यकर्ते हर क्षेत्र के जो विधानसभा क्षेत्र है उसके कार्यकर्ता से मुलाकात की उम्मीदवार की हम लोगों तो पिछले आठ दस दिन से मुलाकात भी की है उम्मीदवारों की तो अभी आगे जाके उम्मीदवार कौन रहेगा कैसे करेंगे वो सब तय होगा दो तीन दिन में फाइनल हो जाएगा वो एक आखिरी सवाल के मुद्दे क्या होंगे सबसे अहम बात डेवलपमेंट की हम तो डेवलपमेंट के आगे चलते ही नहीं दूसरा क्या मुद्दा है जात पात पे तो हम तो राजनीति करते नहीं तो हमारा काम ही नहीं दूसरे जो भी आता है पात के नाम करता है जो दादा ने बताया कोई टोपी की बात करता है कोई टिकी की बात करता है कोई कमजे की बात करता है हम लोग वैसे नहीं हमारा काम ही बहुजन विकास आघाड़ी सर्वधर्म समभाव तो हमने राजेश पाटिल जी से बात की इन्होंने जिस तरह से बताया कि ये पार्टी डिसाइड करेगी कि विधानसभा उम्मीदवार कौन होगा अभी तक बहुजन विकास आघाड़ी ने अपनी छः की छः विधानसभा में उम्मीदवार कौन है कि इसकी घोषणा नहीं की है आने वाले चंद दिनों में होगी लेकिन उम्मीद ये कर सकते हैं कि राजेश पाटिल को ही फिर से उम्मीदवार बनाया जाए ऐसी उम्मीद जरूर जता सकते हैं क्योंकि वो सिटिंग एम एल है और लगता भी ऐसा है कि पार्टी उनके अब तक के कार्यकाल से संतुष्ट है तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही वैसे से इस है हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें